नमस्कार, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार आपका जेके बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूं। और आज के हम इस वीडियो में प्रोटीन फोल्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को, जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट एनफेंसन एक्सपेरिमेंट के द्वारा बताया गया है, उस चीज को हम लोग बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग सीएसआर नेट लाइफ साइंस के जो एग्जामिनेशन में सवाल पूछे गए हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एनफेंसन एक्सपेरिमेंट और प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में, है ना। तो वीडियो में बने रहिए और इसको हम लोग समझते हैं। तो जो क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, जो एनफेंसन एक्सपेरिमेंट था, जो प्रोटीन फोल्डिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताता है, तो एनफेंसन जी ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसका उद्देश्य क्या था, वो बताना चाहते थे कि नेटिव फोल्डेड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइन बाय द प्रोटीन एमिनो एसिड सीक्वेंस, कि प्रोटीन एमिनो एसिड के जो सीक्वेंस है वही डिटरमाइन करते हैं नेटिव फोल्डेड फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बेसिक जो था, तो उन्होंने कैसे किया इस बात को करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक प्रोटीन चुना, मॉडल प्रोटीन। उन्होंने राइबो न्यूक्लियज ए प्रोटीन को लिया। राइबो न्यूक्लियज ए प्रोटीन जो है एक तरह का न्यूक्लियज है, जिसका काम क्या है, आरएनए को डिग्रीगेट करना और स्मॉल कंपोनेंट में बना देना। और ये प्रोटीन काफी कंजर्व है अक्रॉस द स्पीसी, तो ध्यान रखना है डिग्रीगेशन ऑफ आरएनए करता है काम। और इसी प्रोटीन को उन्होंने लिया। इस प्रोटीन की खूबसूरती क्या थी कि ये सिंगल चैन प्रोटीन था, अबाउट 124 एमिनो एसिड के बने थे, और साथ साथ में क्या थे, 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड थे। तो 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड थे। आप प्रोटीन में देख सकते हैं कि एक बॉन्ड डाइसल्फाइड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड और चार बॉन्ड है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, नेटिव राइबोन्यूक्लियस क्या है, ये प्रोटीन है जिसका काम क्या है, डिग्रीगेशन ऑफ आरएनए इनटू स्मॉलर कंपोनेंट, ठीक है। दूसरी बात क्या है, उन्होंने डिनेचर एजेंट लिया था। कौन कौन डिनेचर एजेंट होता है, ये भी सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो उन्होंने यूरिया लिया था, जो करता क्या है, नॉन कोवेलेंट को बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। या बिट्टा मर्कटेथोनॉल है, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने में मदद करता है। तो इन्होंने दो ही डिनेचरिंग एजेंट के रूप में लिया था। साथ साथ उन्होंने एक और एजेंट है जो डीडीटी है, डाइथ्राइटॉल, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेकेज में भी काम करता है, नाम याद रखना, लेकिन इन्होंने यूज नहीं किया था। इन्होंने सिर्फ दो ही डिनेचरिंग एजेंट का काम का यूज किया था। और ये डिनेचरिंग एजेंट करता क्या है, प्रोटीन को डिनेचर कर देता है, फोल्डेड कॉन्फॉर्मेशन को अनफोल्डेड बना देता है और अनफंक्शनल बना देता है, नॉन फंक्शनल बना देता है। आइए हम लोग अब देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने नेटिव प्रोटीन को लिया, जो फंक्शनल प्रोटीन था, जो डिग्रेड कर सकता था आरएनए को। उन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक्सेस अमाउंट ऑफ 8 मोलर यूरिया और बिट्टा मर्कटेथोनॉल से ट्रीटमेंट किया। तो जैसे ट्रीटमेंट किया तो क्या हो गया, ये जो प्रोटीन था डिनेचर कर गया, और उसके वजह से इसकी फंक्शनल एक्टिविटी लॉस हो गई। और ये जो काम था, प्रोटीन जो डिग्रीगेट करता था आरएनए को, वो अब काम बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या किया, इस प्रोटीन को जो आपने डिनेचर किया, तो अगर उसे रिमूव करते हैं, 8 मोलर यूरिया और बीटा मर्कटेथोनोल को रिमूव करते हैं थ्रू डायलिसिस, डायलिसिस से रिमूव कर दिया डिनेचरिंग एजेंट को, तो फिर फंक्शनल फॉर्म में आ गया और नेटिव फॉर्म में आ गया और बिल्कुल अच्छी तरीके से काम करने लगा, जो उसका बेसिक फंक्शन था वो काम करने लगा, ठीक है। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये किया। दूसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि जब प्रोटीन जो डिनेचर राइबोन्यूक्लिएज था, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि बीटा मर्कटेथोनॉल को निकाला, ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया, यूरिया को रिमूव किया। दोनों को एक साथ रिमूव नहीं किया, धीरे धीरे पहले बीटा मर्कटेथोनॉल को निकाला और देन क्या किया, रिमूव किया यूरिया को, रिमूव किया। तो ऐसा करने के बाद हुआ हुआ क्या कि जो प्रोटीन है राइबोन्यूक्लिएज स्क्रम्बल्ड बन गया। स्क्रम्बल्ड मतलब क्या हुआ, हापादापी, जल्दी में, है ना, गलत बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यूजुअली देखते हैं कि नेटिव कॉन्फॉर्मेशन में 26 से 84 एमिनो एसिड है डाइसल्फाइड बनते हैं, लेकिन स्क्रम्बलेज राइबोन्यूक्लिएज में देख सकते हैं कि 26 से 40 का मतलब क्या, डाइसल्फाइड बन गया। और ऐसा इसलिए हुआ कि ऑक्सीडेशन और सल्फोडाइड्राइल ग्रुप हो गया और जो बचे वो आपस में अपना बॉन्ड बना लिए। तो इससे सबसे मेजर जो प्रॉब्लम हुआ क्या कि इम्प्रोपर डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, जिसके कारण से एंजाइम आपके क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, इम्प्रोपर फोल्डिंग के वजह से इनएक्टिव हो गए। तो यहाँ दूसरी स्थिति को देखा कि अगर आप एक प्रोटीन को, डिनेचुरेंट को पहले निकालते हैं, बीटा मर्कटेथोनॉल को, और यूरिया को बाद में निकालते हैं, तो स्क्रम्बलेज राइबोन्यूक्लिएज
बनता है, ठीक है। तो और इम्प्रॉपर फोल्डिंग के वजह से ये भी काम नहीं करता। जब यहाँ पर क्या था, फोल्डिंग हुआ था, मतलब इम्प्रॉपर फोल्डिंग था, और उसके बाद फिर क्या रिमूव किया दोनों, तो प्रॉपर फोल्डिंग हो गया था। मतलब कि जबकि स्क्रम्बलेज में एक एक करके निकाल रहे, ध्यान रखना पहले बिटा को निकाल रहे हैं, देन यूरिया को निकाल रहे हैं, ठीक है। एनफेंसन एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऐसा किया था। अब देखिए उन्होंने क्या किया, तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, जो स्क्रम्बलज राइकोन्यूक्लिए जो आपका जो प्रोटीन है, जो क्या है कि गलत तरह का बॉन्डिंग बन गया है, उसमें फिर से क्या डाला, एडिशन ऑफ ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा इथेनॉल डाला, बीटा मार्कर इथेनॉल डाला, और ऐसे करने के बाद उन्होंने पाया क्या कि नेटिव राइकोन्यूक्लियोज मतलब नेटिव प्रोटीन फिर से बन गया। नेटिव राइकोन्यूक्लियोज मतलब क्या कि 26 का जो 84 था वो क्या बन गया। जो हुआ क्या कि बीटाथोन डालने से जो जो डाइसल्फाइड बॉन्ड से टूट गए और उनको इनफ समय मिला, ठीक है, उसके बाद नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया और राइबोन्यूक्लियस सही तरीके से काम करने लगा, ठीक है। और इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, इससे कंक्लूजन पहला निकलता है कि सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड ऑफ ए पेप्टाइड चेन डिटरमाइंस द फोल्डिंग, जो सीक्वेंस है वो फोल्डिंग। दूसरा चीज क्या है, फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन, अगर सही कंडीशन दिया सही तरीके से तो फंक्शनल प्रोटीन बन जाते हैं। दूसरा चीज क्या है कि एमिनो एसिड सीक्वेंस एंड बायोलॉजिकली एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन के बीच उन्होंने एक संबंध बनाया कि देखो बायोलॉजिकल एमिनो एसिड सीक्वेंस ही होना पर्याप्त नहीं, उसका प्रॉपर फोल्डिंग होना जरूरी है जो बायोलॉजिकल एक्टिव कॉन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि नेटिव फॉर्म प्रोटीन थर्मोडायनेमिक मोस्ट स्टेबल प्रोटीन होते हैं, और ये सब काम के लिए उन्होंने उनको नोबेल प्राइज केमिस्ट्री में 1972 में मिला। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ हम क्वेश्चन डिस्कशन करने के पहले, अगर आप वीडियो को पसंद करते हैं तो आप जेके बायोलॉजी क्लास को लाइक कर सकते हैं, साथ साथ सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप हमारे यहाँ सी एस आर नेट लाइफ साइंस क्लब ज्वाइन करना चाहते हैं जहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों की सुविधा है, सी एस आर नेट लाइफ साइंस के प्रिपरेशन के लिए जो आपकी भाषा में आपको पढ़ाई जाती है, विशेष जानकारी के लिए 6202692436 पर कॉल कर सकते हैं। और आइए हम लोग और सवाल को देखते हैं कि किस तरह के सवाल पूछे गए, सवाल के बारे में हम डिटेल में जाएं और पढ़े। इसके पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि प्रोटीन फोल्डिंग का जो बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं, उससे आपको फायदा होगा। आइए हम लोग देखते हैं सवाल जो सी एस आई नवंबर 2020 में पूछा गया है, क्या कहता है एक्सपेरिमेंट। क्लासिकल एनफेंसन एक्सपेरिमेंट प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइमेटिक एक्टिव राइबोन्यूक्लियस ट्रीटेड विद बीटा मर्करी इथेनॉल एंड 8 मोलर यूरिया, जैसे कि मैंने बताया अभी। फ्लोइंग आर द प्रिपरेशन वाज, तो इसमें कैसे किया गया था, डायलिसिस टू रिमूव द बीटा मर्करी 8 मोलर यूरिया, द सैंपल आर फॉर्म्ड ऑक्सीडेशन ऑफ 8 मोलर आफ्टर डायलिसिस एंड द ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा वाज एडेड एंड डायलिसिस ऑफ डायलिसिस सैंपल 8 मोलर यूरिया टू द डायलिसिस सैंपल। अब देखिए ध्यान से उस समझिए कि क्या क्या किया गया था, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स लीड टू रिमेनिंग ऑफ द फुल एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ राइबोन्यूक्लियस, काफी सिंपल था, है ना। क्या करना था इसमें, आपको सबसे पहले क्या किया गया था, इसमें होगा क्या, ए फॉलोड बाई सी, मतलब आप क्या किया गया, डायलिसिस टू रिमूव बीटा इथेनॉल और 8 मोलर यूरिया, जैसा कि पहले एक्सपेरिमेंट दिया कि भाई डायलिसिस करके निकाला गया था दोनों, है ना, डायलिसिस के थ्रू निकाला गया था, और लास्ट में क्या है कि आपको क्या गया था, ट्रेस अमाउंट ऑफ बीटा मर्करी इथेनॉल वाज एडेड टू द डायलिसिस सैंपल, है ना, ये सी वाला जो था, और दोनों क्या है फुल एंजाइमेटिक एक्टिव राइबोन्यूक्लियोज के लिए रिस्पॉन्सिबल हुआ था। तो ठीक, इसका जो आंसर होगा ए फॉलोड बाई सी, ठीक है, ये काफी सिंपल सवाल था, ठीक है। और अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं तो जेके बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पर लिख सकते हैं, हम आपकी प्रशंसा करेंगे। थैंक्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो।